पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में छमुहान चौक पर यातायात पुलिस के लिए बनाया गया ट्रैफिक पोस्ट में आधी रात को एक वाहन चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में जहां ट्रैफिक पोस्ट में लगे लोहे की परत को तोड़ते हुए अंदर रखे हुए इन्वर्टर और बैटरी क्षतिग्रस्त हुए, वहीं इको वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ। शहर के सबसे व्यस्ततम चौक में आधी रात को जब सड़क पूरी खाली थी, तब ये हादसा होना चालक पर कई सवाल खड़े करता है। लापरवाही हुई या फिर चालक शराब के नशे में था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। ट्रैफिक प्रभारी रुद्रानंद सरस ने बताया कि जिस गाड़ी से ट्रैफिक पोस्ट में टक्कर मारी गई है, वो गाड़ी रोहित पांडे नामक व्यक्ति की है। गाड़ी को पुलिस कस्टडी में ले चुकी है और जांच के साथ साथ कार्रवाई में भी जुट गई है। करीब रात के 12:30 बजे जो है एक ओमनी जो कचहरी तरफ से आ रही थी और तेजी और लापरवाही से है ना जो चालक चला रहे थे, अनियंत्रित होकर वह इस मूर्ति में आके जैसे गाड़ी को अपना फिरा दिया।